The much-awaited Jammu-Akhnoor four-laning road project, sanctioned by the Union government in 2015, is back on the rails after missing several deadlines. 2018 से इसका काम शुरू हुआ था, 2019 में प्रैक्टिकली काम हुआ. उस समय ये धारा 370 यहीं पे थी, तो रूल्स अलग थे. लैंड एक्विजिशन सब चीज़ें, लैंड एक्विजिशन और जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत थी. 2019 के बाद ये 2020 में एक बार कोरोना आया, उसके कारण काफ़ी रुकावट आई और 2020 के बाद से इसने पेस पकड़ी. जो टाइम दिया जाता है उस टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए ये सारा काम. तो हम तो यही चाहते हैं कि एक्सप्रेस हाईवे बने, रोड डेवलपमेंट हो, सब कुछ बने, लेकिन टाइम से टाइम, जैसे अखनूर हाईवे है, इसको बोला गया था इस साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ. बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इसके लिए हम सहन भी करनी पड़ती है कुछ अच्छी बातों के लिए. Being developed by the National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited, the road widening project worth ₹1,345 crore has been divided into four packages. The land acquisition जो है वो 2021 में पूरा होगा जाके, उसके बाद से सही पेस पकड़ी है. और आप देख ही रहे हैं कि 4.6 किलोमीटर फ्लाईओवर, जो आज के दिन अब तक का शायद जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा फ्लाईओवर है, ये हमने तकरीबन उसके बाद लैंड एक्विजिशन पूरी होने के बाद में लगभग 1.5-2 साल में पूरा कर दिया है. द जम्मू अखनूर हाईवे कनेक्ट्स द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजौरी एंड पूंछ एंड इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिफेंस रोड. ये जो रोड है ये बॉर्डर को टच करती है, राजौरी पूंछ से जाती है वहां. मतलब इसके लिए बहुत बड़ी ये बात यह है कि वहां कोई अगर कोई कैजुअलिटी है तो इसलिए हम मैंने मेन हॉस्पिटल में आ सकते हैं, और कोई सामान पहुंचाना हो तो इजीली वहां जा सकता है. ये हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. वंस कंप्लीटेड द हाईवे विल कट ट्रैवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड अखनूर बाय हाफ.